तरफ से और मेरी टीम की तरफ से भी आप इशफाक साहब को दिल की उम्मीद गहरे आज से मुबारकबाद पेश करता हूँ जिसको आपने चुना। तो ये जिसे हम कहते हैं अब फोर्थ पिलर ऑफ दिस डेमोक्रेसी है, ये अपने रूट्स तभी पकड़ेगा जब आप एक ऑनेस्ट जर्नलिज्म की हैसियत से काम करेंगे। जो भी काम किया है पब्लिक के लिए किया है, आपसे भी हम उम्मीद रखेंगे कि जो भी आप करेंगे इंडियन स्टाफ एडमिशन करेंगे। मैं आपको मुबारकबाद। हमें मोस्टली जर्नलिज्म को क्रिटिसिज्म समझते हैं कि इम हजलुक में खिलाफ ही इम हजलुक में खिलाफ। आई हैड समवेयर रेड कि जर्नलिज्म या क्रिटिसिज्म इट शुड बी लाइक रेन, इससे जड़ें मजबूत होनी चाहिए, तर होनी चाहिए ताकि पौधा मजबूत हो, ये उसकी बहबूदी के लिए होनी चाहिए। ज़िला बारामूला के सब डिवीज़न गुलमर्ग में आज सहाफ़ियों का एक यहाँ पर इलेक्शन हुआ। जमहूरी तरीके से इस अमल को अमलाया गया है और मैं ये कहूँ कि आज के इस इंतखाबात में जो सहाफ़ियों की तंजीम जो बारामूला वर्क जनरल एसोसिएशन के बैनर के तले जो अमल में लाया गया है और जो सागर साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं टंगमर्ग के, उनकी निगरानी में इस इलेक्शन को पाए तकमील तक पहुंचाया गया है। इसमें इशफाक अहमद डार जो कि गुलिस्तान न्यूज़ का रिपोर्टर है, बहसीत सदर उसका इंतखाब हुआ है और हम यह उम्मीद करते हैं कि जो यहाँ के मामलात हैं, जो सहाफ़ियों के जो मामलात हैं, वो बखूबी वो अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हुए उन मामलात, उन मुश्किलात और उन मसाइल का अजाला करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। और रही बात जो यहाँ पर सहाफ़ियों को अपने मामलात के साथ साथ उनका जो किरदार है, उनका जो एथिक्स के तहत जो उनको काम करना है, उस पर भी वो अमल पैरा रहेंगे और सहाफ़ियों को जवाबदेह बनाएंगे।